बता दे, बता दूं, बता दूं, मैं बता देता हूँ। जब से हमने मोमोज मोमोज की बातें कर रहे हैं ना, तब से ना इसका बेबी जो के पेट में है ना, उसको लेग लेग मारी जा रहा है। बंदे की जो क्रेविंग होती है ना, वो एक बहुत ही गलत वाली चीज़ है। अपने को ना मोमोज की या आइसक्रीम की या डार्क वाली जो चॉकलेट होती है ना, उनकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा वाली हो जाती है यार। तो अभी इस टाइम में ना रात को, अभी देखो ऑलमोस्ट रात के ना 11 बज रहे हैं, बट खाना वगैरह खा चुके हैं घर पे, बट उसके बाद भी भैया मोमोज की ना आज पता नहीं क्यों मेरे को ना बहुत ज्यादा वाली क्रेविंग हो रही थी, जिसके चक्कर से ना मैं उसको भी उठा के ले आया। ये कह रही है कि मैंने नहीं खाने, मैंने नहीं खाने। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू साथ बैठ जाइयो, मेरे सामने बैठ के ना मुझे देखती रही हो कि मैं कैसे खा रहा हूँ। मेरे को पता है जब मैं खाऊंगा ना तो ये 3-4 पीस तो नहीं, ये कहेगी मैं टेस्ट कर रही हूँ, और टेस्ट टेस्ट में ना ये रगड़ जाएगी 4 पीस। बट मेरे को ना कंपनी मिल रही है, कंपनी पता है किसकी मिल रही है? बता दे, बता दूं, बता दूं, मैं बता देता हूँ। जब से हमने मोमोज मोमोज की बातें कर रहे हैं ना, तब से ना इसका बेबी जो के पेट में है ना, उसको लेग लेग मारी जा रहा है। वो कह रहा है मम्मी तू भी खा ले, मम्मी तू भी खा ले, मैं भी खाऊंगा। सो व्हाट्स अप गाइस, की हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग नहीं है ये, कल वाला व्लॉग है, उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। बट मेरा मन कर रहा था इस वाली बाइक को आज चलाने का, सो इसको मैंने निकाल लिया है। अभी कहीं ज़्यादा दूर वूर तो नहीं जा रहा हूँ, बट अपने ऑफिस ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही भी काम बहुत सारे वाले हैं। बट इस पर जाएंगे, थोड़ी सी राइड वाइड करेंगे, साथ के साथ ना इस पर छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए भी और अपने लिए भी। बहुत दिनों से ना मैंने ना इसके कोई भी सिनेमैटिक नहीं बनाए, तो छोटे से सिनेमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। इसके सिनेमैटिक वीडियो में डालने से ना मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियो के अंदर ना जान पड़ जाती है, और मेरे को भी ना यार सच्ची में देखने में ना बड़े सही लगते हैं। तो आप छोटे से सिनेमैटिक इसके एंजॉय करो। हाँ जी, गाइज आई होप कि यार आपको इसके सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे। वैसे देखो मैं कोई प्रो नहीं हूँ, बट फिर भी ना यार ये इस बाइक को देख के ना मन कर जाता है, और कोशिश करते हैं छोटे मोटे इसके ना सिनेमैटिक्स ले लें, क्योंकि भैया बाइक है ही हमारी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर कलरफुल सी बाइक है ना, तो इसके चक्कर से। हाँ जी, बाइक को ना गलियों के अंदर चलाने का ना इतना ज्यादा वाला वैसे मजा नहीं आता। इस बाइक को ना खाली रोड पे, खुली रोड पे, उन सारी जगहों पर ना चलाने का ना बहुत मजा आता है, क्योंकि ना बाइक वहाँ पे ना अपने एक मेंटेन स्पीड पे ना भागती है। बट जो भी है, अपने को ना ये पसंद बहुत है। मैं अब इसको ना जल्दी से बेचने नहीं वाला हूँ, अभी मैं कुछ टाइम ना इसी को रखूंगा आराम से, और इसी के मजे लेंगे। क्योंकि ये वाली जो बाइक है ना, ये बाइक भी ना बहुत ज्यादा वाली कंफर्टेबल है, ऊपर से सुंदर बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी चीज की ब्रांड नेम है भाई इसका BMW। जिसको भी बताओ ना कि मेरे पास BMW की बाइक है, बंदा कहता है वाह BMW की बाइक रखी हुई है तूने, अब उसको क्या बता कि भैया ये 300 cc की बाइक है सिर्फ। से पहले वाली जो बाइक थी वो 650-750 cc की बाइक थी। बट चलो जो भी है, बाइक ये भी बहुत बढ़िया है। बाकी मैं ना यार अपने ऑफिस पहुंच गया हूँ, तो अभी इस कैमरे को यहीं बंद करते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। भाई देखो, अभी जस्ट अभी ना हम दुकान पर अपनी पहुंचे थे, वहां पर जाके ना बाइक को खड़ी ही किया था, कि साथ के साथ ना पापा कहने लगे कि भैया तू ना स्कूटी पकड़, और स्कूटी पकड़ के ना जरा करोलबाग होकर आ, करोलबाग ना एक मेरे को काम है, तो चलो चलते हैं और रस्ते का ना छोटा सा ना ब्लॉग बना लेंगे, क्योंकि भैया मेरे को ना घूमने फिरने में वैसे भी बहुत ज्यादा वाला मजा आता है, साथ के साथ भाई साहब अपने को ना राइड करने को मिल जाता है। बाइक में चक्कर से नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ना वहां से ना वापसी के टाइम पे ना मेरे को एक थैली लेकर आनी है, उसके अंदर कुछ सामान वगैरह होगा, तो सामान ना मैं स्कूटी पे ना आराम से रख के ले आऊंगा। इस रोड से ना मैं जब भी निकलता हूँ ना, मैं बड़ा देख के निकलता हूँ, बिकॉज ना ये जो गाय वगैरह होती है ना इस रोड पे काफी सारी है, और कई बार जो ना बीच में ही बैठ जाती है और बीच में ही खड़ी रहती है, तो चाहे मैं बाइक पर हूँ चाहे मैं स्कूटी पर हूँ, बट मेरे दिमाग में ना ये चीज हमेशा रहती है कि भैया इस रोड पे ना गाय वगैरह जरूर होगी। ओहो सामने देखो एक्सीडेंट हो गया, तगड़े वाला एक्सीडेंट हो गया सामने भाई साहब। सो यार मैं ना मार्केट तो पहुंच ही गया हूँ, बट भैया इस टाइम पे ना गर्मी लग रही है, और ना मैं यहाँ पे रुक गया। रुका क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि मेरा मन कर रहा था यार कुछ ना इस तरीके का पीने का, मतलब वैसे तो मेरा मन कर रहा था कि रायता वगैरह मिल जाए ना, रायता जैसे होता है ना दही के अंदर पकौड़ियों वाला रायता होता है, वो पीने का मन कर रहा था। बट अपने को ना यार वो तो यहाँ पर कहीं आसपास पर भी ना मिल नहीं रहा, वैसे मिलता होता है पर मिल नहीं रहा। बट मैं सोच रहा हूँ कि चलो यही वाली जो होती है ना, भैया अपना है ना ये, अपना है ना ये, पिला दो यार, कहाँ जा रहे हो? खत्म हो गया, ओल खत्म हो गया। मैं तो सोच रहा था कि यार चलो ये पीता हूँ, गर्मी लग रही है,
बट भैया कह रहे खत्म हो गया। ओहो चलो कोई नहीं, कुछ और कहीं और देखते हैं। कार मार्केट के अंदर ना बॉयज की क्या, गर्ल्स की क्या, बच्चों की क्या, सबकी एक्सेसरीज कपड़े बहुत ही मस्त मस्त मिल जाते हैं। लड़कों के तो भैया यहाँ पर ना बहुत सही सही कपड़े मिलते हैं, बेसिकली लड़कों के कपड़े और स्पोर्ट्स शूज वगैरह, बेल्ट वगैरह, आपको ना हर रेंज की चीज मिल जाएगी यहाँ पे, सस्ती से सस्ती, बढ़िया से बढ़िया, कॉपी से कॉपी, मतलब समझ रहे हो, हर चीज बढ़िया मिलती है यहाँ पर यार। तो मेरा भी जो है यहाँ पर दो चार चीजों का काम है ना, वो काम निपटाता हूँ। बाकी खाया पिया अभी तक कुछ नहीं है, बड़ी जोर की भूख लग रही है बट समझ नहीं आ रहा कि क्या खाऊं, क्योंकि सारी चीजें ना बहुत ही पैटी पैटी वाली है। छोले भटूरे वगैरह मिल रहे हैं या फिर उस टाइप की चीजें मिल रही है यार, जो ना मतलब बहुत ऑयली ऑयली है। बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो वीडियो एडिट कर रहा हूँ। वीडियो एडिट करते करते ना एकदम मेरा ध्यान गया इस लड़की ने बोला, ये वाली लड़की ने, तू ही बता दे भाई क्या बोला इस लड़की ने। पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। इतना बड़ा ओ भाई लड़की तेरी पेट में इतना बड़ा स्टोन है, इतना बड़ा तुम्हारा स्टोन है ओ भाई, प्लीज एक बार बता दे तेरे पेट में कितना बड़ा स्टोन, कितना इतना 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 बड़ा है, इतना बड़ा गोला। अरे नहीं कहनी, इतना बड़ा स्टोन है मेरे पेट। बंदा जब घर पे पहुंचे थका हारा, और उसके बाद ना उसको आगे से ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिले, जैसे कि मैंगो योगर्ट। ओए होए होए क्या मस्त होता है यार, ये मजा आ गया खा के इसको, सच्ची बता रहा हूँ। मैंगो शेक से भी बहुत बढ़िया होता है ये मैंगो योगर्ट, कभी ट्राई करना घर पे। मैं तो भाई साहब घर के अंदर बैठ के ना बड़े मजे से ना योगर्ट खा रहा था, फिर मेरे को इसका ध्यान आया, मैंने कहा भैया इसको ना दवाई भी खिलानी है, क्योंकि ना इसकी ये वाले पैर में ना लगी हुई है, तो इसको दवाई खिलाने के लिए मेरे को चाहिए घर पे पनीर, क्योंकि पनीर के अंदर ना मैं दवाई को ना पूरा चूरा चूरा करके ना फिर इसको दवाई खिलाऊंगा, बट पनीर घर पे है नहीं, तो पनीर लेने जा रहा हूँ मैं पहले। मैं यहाँ से पनीर लेता हूँ, और ये दुकान भाई साहब बंद हो गई है। ओहो वैसे यार अंदर लाइट जल रही है, एक बार आवाज मार के देखता हूँ। हाँ जी पनीर दे दो यार। अरे दुकान खुल गई, बड़ी जल्दी बढ़ा दी आपने, टाइम हो गया था, एक किलो पनीर दे दो, मटर भी है। भैया मेरे को ना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और मेरा घर ना वैसे भी बैक साइड भी है, और ऊपर से ना मेरे को ना वो अंदर फ्रिज की ना लाइट जली हुई दिख रही थी, तो सो मैंने ना ट्राई करा कि देखो आवाज मार के कि शायद अंदर कोई हो, या फिर आवाज मार के मेरे को बता दे कि हाँ जी ये ले लो। भैया ठीक है थैंक यू सॉरी। उसको मैंने ना दवाई खिलानी थी, बड़े अच्छे तरीके से लड्डू बना के दवाई का खिला दिया है, अब जो थोड़ा बहुत पनीर रह गया ना वो भी खा रहा है, बट ये पनीर खाने से ना भागती है, बट चलो कोई नहीं, मैंने इसके हिस्से का रख दिया है। आ जा यार खा ले, मैं जा रहा हूँ, मेरी मैडम वेट कर रही है। हेलो मैडम, हाउ आर यू, कैसे हो, आ जा जल्दी से, नहीं तो तेरी पुलिस कंप्लेंट कर देनी है मैंने। ये बांध के बैठी हो मेरे को ना, ये तेरी सीट बेल्ट है, ओके मेरे साथ बांध के बैठ जाइए स्कूटी के ऊपर, ये तेरी सीट बेल्ट है, ओके। सो एज यूजुअल रोज रात को ना मैं इसको लेके घर से बाहर आ जाता हूँ, सबसे पहले हम जाते हैं हल्का फुल्का कुछ खाने पीने के लिए। आज कुछ खा पी कर आ गए हैं, वीडियो नहीं बनाई थी, मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वाली ना पॉजिटिव वाली एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी सेक्टर से नहीं आ रही है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो जब भी यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना तो मज़ा नहीं आता। बट उसके बाद हम अभी आ जाते हैं अपनी एज यूजुअल इस जगह पर डॉग फूड लेने के लिए, क्योंकि अपने को ना यहाँ से डॉग फूड चाहिए होता है अपने डॉग्स वगैरह के लिए, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आ गए हो जी, तो ये हमारे डॉग्स के लिए फूड आ गया है, और अब इस फूड को ले जाके ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। है क्या इसके अंदर, वो नहीं मैं बता सकता आपको। हाँ जी क्या हुआ ऐसी जी, तो चाहे जिंदगी है।